नमस्कार दोस्तों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल के राजस्थान ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर मैकेनिकल डिप्लोमा एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इससे पहले राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के सभी प्रश्नों का हम मेगा वीडियो के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में हम राजस्थान भूगोल के प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान भूगोल के प्रश्नों के अंतर्गत जेएमडी के पेपर का पहला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा। आप सभी भलीभांति परिचित होंगे, राजस्थान के दो दक्षिणतम जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है और यह राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन से जिले के समीप से गुजरती है, तो मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूं ताकि आपका ये प्रश्न है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पर ये डूंगरपुर जिला है और ये है बांसवाड़ा, तो कर्क रेखा है वो इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डूंगरपुर के दक्षिण से होकर बांसवाड़ा के ठीक मध्य से है वो कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका ये डाउट भलीभांति क्लियर हो गया होगा कि कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल समीप से और डूंगरपुर के सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और कर्क रेखा है वो 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 56 का मैदान विस्तीर्ण है। आपको हिंदी में कहीं कोई अगर डाउट रहे तो यहाँ पर ड्यूअल लैंग्वेज में क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है 56 प्लान इन राजस्थान एक्सटेंड्स इन, तो 56 का मैदान है वो मुख्यतः प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक विस्तीर्ण है, तो इस प्रश्न को है वो बोर्ड ने अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया है, क्योंकि इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन तीनों जिलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है वो आता है। 56 का मैदान मुख्यतः जो माही नदी है और माही नदी का जो अपवाह तंत्र है उसी अपवाह तंत्र या माही नदी के बेसिन को ही 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी में 56 नाम से दो चीजें हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं, एक तो 56 का मैदान और एक 56 की पहाड़ियां। तो 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, जिसे माही का मैदान भी कहा जाता है और यहाँ पर 56 गांवों का समूह है, इसीलिए इसका नाम है वो 56 का मैदान पड़ गया। जबकि 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में है, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर 56 नाम इसलिए पड़ा है बाड़मेर की पहाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पर 56 गोलाकार पहाड़ियां स्थित हैं, इसीलिए इस भूभाग का नाम है वो 56 की पहाड़ियां पड़ा है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, विकल्प है मोड़दार, संचयी, अवरोधी, अवशिष्ट। तो रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की संरचना के संबंध में आपको दो तीन प्रकार से प्रश्न है वो घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि रचना विधि के आधार पर अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो ये मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। अगर समय के अनुसार पूछा जाए कि अरावली समय के कालखंड के पैमाने के अनुसार किस प्रकार की है, प्राचीनतम है, नवीनतम है, इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो समय अनुसार अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है, रचना के आधार पर वलित या मोड़दार पर्वतमाला है और वर्तमान में
जो ये विद्यमान है ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। तो इन दो तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, रचना विधि के आधार पर मोड़दार पर्वतमाला के रूप में, और समय कालखंड के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और इस पर्वतमाला का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसी के समांतर एक अमेरिका की पर्वतमाला है जिसका नाम है अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत और अरावली पर्वत, इन दोनों पर्वत श्रेणियों का निर्माण लगभग एक ही कालखंड में हुआ माना जाता है। तो अरावली के संबंध में इन तथ्यों को आप ध्यान में रखिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे तो आगे इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो उसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विकल्प है काकनी, घग्गर, बाणगंगा, कांतली। तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प नंबर दो है, घग्गर। घग्गर नदी को मृत नदी, द्वस्दती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था और यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और घग्गर नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान तक आने वाली देश की एकमात्र नदी है, यह भी तथ्य आप ध्यान में रखें। और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र का लगभग 60.2% हिस्सा है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों द्वारा अवाप्त किया गया है। चलिए आपको राजस्थान के मैप के जरिए दिखा देते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ कहाँ तक चलती है। यहाँ पर आप देखिए, यह उत्तर से हिमालय पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से इसका है वो उद्गम होता है। कालका की पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ से आती हुई राजस्थान में सबसे पहले ये हनुमानगढ़ के तलवाड़ा में टिब्बी नामक गांव है वहां पर ये प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर तलवाड़ा नाम आया है तो तलवाड़ा एक हनुमानगढ़ में है और एक बांसवाड़ा में भी है। बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा है वो मैंगनीज खनिज के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ का जो तलवाड़ा है ये हनुमानगढ़ में है जहाँ ये घग्गर नदी है वो प्रवेश करती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ से होती हुई गंगानगर में यहाँ पर प्रवेश करती है और गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र नाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाली। और घग्गर नदी में कभी कभी बाढ़ के हालात हो जाने पर इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है और यहाँ पर इस नदी के अपवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के अपवाह तंत्र को नाली के नाम से जाना जाता है जबकि पाकिस्तान में इसके अपवाह तंत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखें। और हनुमानगढ़ में इसी नदी पर कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है और इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ के तलवाड़ा में तलवाड़ा झील भी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, माही, साबरमती। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, माही नदी। तो माही नदी के बारे में भी मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश से निकलकर किस प्रकार से राजस्थान में बहती है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील जो अमरोरू की पहाड़ियां धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। माही नदी इस झील से उत्पन्न होती है और यहाँ से होती हुई ये बांसवाड़ा के खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई खंभात की खाड़ी में है वो गिर जाती है। हमने पहले पढ़ा
कि यहाँ पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली राजस्थान की नदी है, और इसकी जो सहायक नदियों हैं उसमें यहाँ पर यहाँ से सोम नदी आती है और यहाँ से प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है, और यहाँ पर डूंगरपुर की तहसील है जिसका नाम है आसपुर। आसपुर तहसील के नवा टापरा नामक स्थान पर सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पेणेश्वर धाम भी स्थित है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यह भी इसी माही नदी के ही किनारे है, और माही नदी के जो सहायक नदियां हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो माही नदी की सोम जाखम तो सहायक नदियां है ही, इसके अलावा चाप, अनास, मोरेन, एराव, भादर, इरू, हरण ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है, और राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला भी झालावाड़ ही है। और राजस्थान में अगर न्यूनतम वर्षा की बात करें तो न्यूनतम वर्षा है वो जैसलमेर में होती है 15 सेंटीमीटर, और राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर। ये राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वो है माउंट आबू, ठीक है, आबू सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कोपेर वर्णित BWHW जलवायु मिलती है? तो यहाँ पर एक नंबर वाला विकल्प है इसका सही उत्तर है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। BWHW जलवायु को उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। कोपेन महोदय के अनुसार राजस्थान को कुल 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, जो मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ ताकि भविष्य में इस वर्गीकरण से संबंधित और भी कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ पर आप देखिए ये कोपेन द्वारा डिवाइडेड राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत BWHW प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का कुछ पश्चिमी भाग है वो भी शामिल है। इसके अलावा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो इसी जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है BWHW। इसके बाद में जो अरावली के पश्चिम में और राजस्थान के जो थार मरुस्थल के पूर्व का जो हिस्सा है उसमें BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु कहते हैं, और इस जलवायु को स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले होंगे आप आसानी से पता लगा सकते हैं, इसमें जालौर जिला भी शामिल है, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, नागौर, इसके अलावा जो शेखावटी क्षेत्र के जो जिले हैं वो भी शामिल है, और कुछ भाग है वो जयपुर का भी इसमें शामिल है। ये जो जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान का कोपेन के अनुसार वर्णित जलवायु प्रदेशों में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो इस प्रकार से भी पहले एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोपेन महोदय के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये BSHW है। आप पश्चिमी राजस्थान को देखकर BWHW ना कर दे, सबसे बड़ा है BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में जो पूर्वी राजस्थान का
उपआर्द्र जलवायु प्रदेश है जो CWG के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः अरावली के पूर्व का भाग है। और राजस्थान का जो दक्षिणतम सबसे आर्द्रता वाला भाग है उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत AW प्रकार की जलवायु में रखा गया है। ठीक है, तो ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड BSHW और सबसे छोटा AW है कोपेन के अनुसार। इसके अलावा थॉर्नवेट और ट्रिवार्था के अनुसार भी राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को देखा जा सकता है। उनसे संबंधित अगर कोई आगे प्रश्न आएगा तभी हम उनके जलवायु वर्गीकरण पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतया कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कपास और मक्का की फसलें हैं वो सामान्यतया उगाई जाती हैं। यह मिट्टियां राजस्थान के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है। चलिए इसको भी हम मैप थ्रू देखते हैं। यहाँ पर ये जो भाग है ये पूरा का पूरा मिश्रित लाल काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसमें आता है। और यह मिट्टी मुख्यतः कपास और मक्के के लिए है वो लाभदायक है। और जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए इतनी प्रसिद्ध है, इतनी लोकप्रिय है, इसी को देखते हुए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास और मक्का के अलावा यहाँ पर अफीम, महुआ, बांस इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। और इस मिट्टी में लौह तत्व की सबसे अधिकता होती है, इसीलिए ये मिट्टी है वो फेरस लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ये 2016 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग इसका सही जो जवाब है वो 9.55% हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो नवीनतम वन रिपोर्ट जो दिसंबर 2019 में रिलीज हुई है उसके अनुसार राजस्थान का 9.57% भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। और राजस्थान का सबसे ज्यादा वनों वाला जिला है वो उदयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? तो सेम की समस्या से प्रभावित गंभीरतम जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के प्रभाव से सेम की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। इस सेम की समस्या को जलमग्नता और जलाधिक्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर सेम की समस्या इसलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि यहाँ पर जमीन के जो नीचे का स्तर है उसमें चूने पत्थर की अधिकता है। और चूने पत्थर की अधिकता के कारण नहर का जो जल है वो नीचे तक रिस नहीं पाता है, इसलिए नहर का जो जल है वो नीचे ना रिस कर नहर के किनारों वाले क्षेत्र पर फैल जाता है। और धीरे धीरे जो किनारे का बगल वाला आसपास वाला भाग है वो दलदली भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और धीरे धीरे अगर ज्यादा समय तक भूमि दलदली रहेगी तो धीरे धीरे जो वो पानी है वो निचली चूना पत्थर की परतों तक चला जाएगा। आंतरिक भाग जहाँ पर ये जो चूने की चट्टाने हैं वहाँ से लेकर पृथ्वी के ऊपरी धरातल तक जल का संपर्क हो जाएगा, जिससे केशाकर्षण मेथड के द्वारा नीचे वाला जो चूना पत्थर और लवण युक्त पदार्थ है वो धीरे धीरे पृथ्वी के भूपरपटी पर आकर धरातल पर फैल जाएगा, जिससे जो फसलें हैं वो अंकुरित नहीं हो पाएगी क्योंकि लवण की मात्रा है वो अधिक हो जाएगी। तो यही सेम की समस्या है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में और यहाँ कहे कि जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा है।
ये फैली हुई है और इसी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने इंडो डच परियोजना भी शुरू की है जिससे सेम की समस्या से निजात पाया जा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? तो मसालों के समग्र उत्पादन के लिए राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले हैं वो अग्रणी है। जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी का जो भाग है, हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर मुख्यतया काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास, अफीम, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के है वो मसाले उत्पादित होते हैं। पहले हमने पढ़ा ही था कि झालावाड़ राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला है। तो अधिक वर्षा होगी, ज्यादा आर्द्रता होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मसालों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर होता होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो राजस्थान का 30% क्षेत्र भरतपुर में केंद्रित है। यहाँ पर राजस्थान का लगभग 30% सरसों का प्रोडक्शन होता है और भरतपुर में सरसों के लिए एक अनुसंधान केंद्र यानी मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, वो भरतपुर के सेवर क्षेत्र में है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो सेवर भरतपुर में है और सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन वाला जिला भी भरतपुर ही है। वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है। तो 2012 की पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या बकरियों की है और वर्तमान की पशु गणना के अनुसार भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या बकरियों की ही है। 2012 में राजस्थान की 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके बाद में 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2017 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पशुधन गणना रिपोर्ट में कुछ उसके जो आंकड़े हैं उनके संग्रहण में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया गया और इसी को देखते हुए कुछ टाइम ज्यादा लग गया और ये रिपोर्ट है वो अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हो पाई थी 2017 की, जो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 5,68,00,000 पशुधनों की संख्या है वो आंकी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बकरियों की संख्या है वो 20.84 लाख बताई गई है, ठीक है ना, यानी 20,84,000 राजस्थान में 2019 में जारी 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार बकरियों की संख्या है और कुल पशुधन मैंने आपको बता दिया 5,68,00,000। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिर्जा बांध का निर्माण किया गया है। तो मिर्जा बांध कोठारी नदी पर निर्मित है जो भीलवाड़ा में स्थित है और इसी बांध के किनारे मिर्जा पार्क भी विकसित किया गया है और इस बांध का निर्माण 1972 में किया गया था। इसे पेयजल और सिंचाई दोनों रूप में उपयोग में लाया जाता है। प्रश्नों के अन्य विकल्पों में भी कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो साथ ही साथ यहीं पर देख लेते हैं कि इन नदियों पर भी कौन कौन से बांध है वो बने हुए हैं। तो मानसी नदी पर अडवाना नामक बांध है, अडवाना जिससे संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि अडवाना बांध कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में है और मानसी नदी पर स्थित है। पार्वती नदी पर भी एक बांध बना हुआ है जिसे पार्वती बांध या आंगई बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध धौलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा खारी नदी, इस पर भी एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है खारी बांध, इसी नदी के नाम पर ही है। खारी बांध भी भीलवाड़ा में स्थित है। तो भीलवाड़ा में कुल 4 बांध हैं, कोठारी नदी पर स्थित मेजा बांध, मानसी नदी पर स्थित अडवाना बांध, खारी नदी पर स्थित खारी बांध और एक
ओरई नाम से और बांध है जो ओरई नदी पर स्थित है, वो भी भीलवाड़ा में ही स्थित है। तो इन चीजों को भी आप साथ ही साथ ध्यान में रखें। अब की बार मेजा बांध पूछा है, आगे अडवाणा बांध पूछ सकता है, पार्वती या खारी बांध भी पूछ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सिंचाई है उसका स्रोत कुएं और नलकूप ही है, और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई है वो हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में ही होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो श्री गंगानगर में होती है, और सबसे न्यूनतम सिंचाई है वो चूरू जिले में होती है। इसके अलावा विकल्प में कुएं और नलकूप की तो हम बात कर चुके हैं कि पूर्वी राजस्थान में होता है। तालाबों से सिंचाई है वो राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा होती है, और नहरों से सिंचाई राजस्थान का जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग है जिसमें इंदिरा गांधी नहर और सांचौर बाड़मेर में नर्मदा नहर, यहाँ पर नहरों से सबसे ज्यादा है वो सिंचाई होती है। भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जयपुर। तो इसमें आपको लग रहा होगा पश्चिमी राजस्थान में वर्षा भी सबसे कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से स्थिति चिंताजनक होती होगी। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, नागौर और जयपुर में। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति भूजल की गुणवत्ता की और उपलब्धता की इसलिए है क्योंकि नागौर में जो भूगर्भीय जल है इसमें फ्लोराइड की सबसे ज्यादा मात्रा है, और आपने कई बार पढ़ा होगा कि नागौर और अजमेर में एक फ्लोराइड युक्त जल पट्टी फैली हुई है जिसे कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उसी फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से यहाँ के जो लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है वो टेढ़ी हो गई है, और लोग हैं वो कुबड़ के शिकार होने लग गए हैं। इसीलिए यहाँ के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, और फ्लोराइड युक्त जल की सर्वाधिक मात्रा होने के लिए गुणवत्ता की दृष्टि से यहाँ चिंताजनक स्थिति है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर के जल में भी फ्लोराइड की काफी मात्रा है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमने देखा कि पेयजल और सिंचाई का जो स्रोत है वो कुएं और नलकूप है, और राजस्थान में सतही जल का तो हालात ये है कि देश के सतही जल का मात्र 1.16% हिस्सा ही राजस्थान में है। तो आप देख सकते हैं देश का 10.41% भूभाग राजस्थान में है, और देश के कुल सतही जल का केवल 1% के आसपास भाग है वो राजस्थान में है। तो ये स्थिति अगर राजस्थान में हो रही है तो आप राजस्थान के सतही जल और भूजल की स्थिति से आप भलीभांति परिचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? तो हमने अभी डिस्कस किया फ्लोरोसिस जल पट्टी जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं, जिसे बांका पट्टी कहते हैं, यह नागौर अजमेर में स्थित है। राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो नेशनल हाईवे 15 की लंबाई राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे अधिक है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है, और यह पंजाब के पठानकोट से लेकर गुजरात के कांडला को जोड़ने वाला राजस्थान भू क्षेत्र का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस जो राजस्थान के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके नामों में भी परिवर्तन हो गया है।
पुराने नाम को हटाकर इनको नए नामों में बदला गया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 का जो नया नाम है वो NH68, NH62, NH11 कर दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये राजस्थान का प्रथम नेशनल हाईवे है जिस पर 6-लेन एक्सप्रेस हाईवे का भी विकास किया गया है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर हैं। तो इसका 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बेंटोनाइट से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस खनिज से संबंधित कि इसके जो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो बेंटोनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो बाड़मेर में होता है, उसके बाद में बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर मैकेनिकल डिप्लोमा एग्जाम 2016 के पेपर का डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट पेपर का डिस्कस करते हैं।